देख रहे हैं पत्थर को पार करके श्रद्धालु उस तरफ जा रहे हैं। इस तरह की स्नान से थोड़ा बचे आप, ऐसे आराम से इधर से आए ताकि किसी पर कोई दिक्कत ना हो। दिख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा गैप है यहाँ पे। जल को रोकने के लिए इस तरफ जल है और हर की पैड़ी के लिए जल इधर से जाता है जो कि अभी बंद है। अब आप आपको दिखाने जा ये देख रहे हैं इस ओर कोई श्रद्धालु नहीं है। ब्रह्म कुंड की ओर थोड़ी एक आध दो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जल यहाँ पे नहीं है और सारे श्रद्धालु इधर आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। बड़े बड़े पत्थर के बीच में सोना चांदी ढूंढ रहे हैं और उधर दिख रहे हैं काफी सारे श्रद्धालु गहरे जल में जा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से स्नान किया जा रहा है। जल की धारा थमी थमी सी है। ये देख रहे हैं पूरी सफाई की अब काम शुरू हो चुका है। यहाँ पे बड़ा सा ये पेड़ है, ये सारे अभी हटेंगे और इस तरह से अभी बनाया जा रहा है। हाय दोस्तों, हर गंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं आज हम आपको पूरे घाटों का दृश्य दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि हरिद्वार में जल कब आएगी और कब तक काम चलेगा और जल की धारा अभी कितनी है हर की पैड़ी में और प्रमुख जल की धारा में और सबसे ज़्यादा तेज जल कहाँ पर मिलेगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं गहरे जल की तलाश में श्रद्धालु जा रहे हैं आगे की ओर और ये अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पत्थर भी जहाँ पे पैर टिक पाना मुश्किल होता है और आप चप्पल या जूता पहन कर जल में जहाँ जा नहीं पाएंगे। देख रहे हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर भी है और पत्थर के बीच में बड़ा बड़ा गैप भी है तो आपको पूरी तरह से सावधानी का ध्यान रखना है और आराम से आपको जल की तलाश में गहरे जल की ओर जाना है। आप देख रहे हैं किस तरह से रेलिंग पार किया जा रहा है और इस रेलिंग को पार करने के चक्कर में काफ़ी सारे लोगों को चोट भी लग चुकी है और एक वीडियो हमने आज ही सुबह डाला था जिसमें आपने लाइव दृश्य देखा था कि किस तरह से उन्हें चोट लगा और काफ़ी गहरे जल में जाने के बाद आपको जल मिलेगा। हर की पैड़ी में जल अभी नहीं है और सुबह जल आया था जिसके वजह से थोड़ा स्नान करने में कुछ राहत मिली थी और फिर से अब दिवाली नज़दीक आ रहा है तो जल को पूरे दिन छोड़ा नहीं जा सकता और आरती के समय ही जल को छोड़ा जाता है। आरती से एक घंटे पहले आप जल देख सकते हैं, आराम से आप डुबकी लगा सकते हैं उस जल में। हमने वो भी वीडियो आपको बना के अपलोड की थी ताकि आप पूरी जानकारी के साथ हरिद्वार आए और आपको किसी भी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। ऐसे आपकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट करें, ऐसे हम आपकी पूरी जो कन्फ्यूजन है इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप सबसे प्यारी से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारी यात्रा स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ये ऋषिकेश बाईपास से जब आएंगे हर की पैड़ी के लिए या फिर आप आएंगे मनसा देवी जाने के लिए तो इसी ब्रिज से होके आएंगे। ये ब्रिज का नाम है हाथी वाला ब्रिज और इस ब्रिज से अभी आप गंगा जी के दर्शन करेंगे। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से धारा अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब जो परेशानी आपको बढ़ने वाली है जल की कमी की जो दिक्कतें हैं वो आपको और बढ़ेगी क्योंकि अब दिवाली बहुत नज़दीक है और दिवाली के लिए जल पुगरी चाहिए होता है। शाम को दिवाली के दिन जल पूरी तरह से आ जाती है और उसी जल से ही गंगा जी की आरती होती है। अब दिवाली को ध्यान में रखते हुए सफाई को तेजी से किया जा रहा है तो उसके लिए जल को रोका जाएगा और रोका आप देख रहे हैं कितनी धीमी गति है और ज़्यादा धीमी होगी ताकि जल की सफाई अच्छे से हो सके। और आप सबसे रिक्वेस्ट है जब भी आप हरिद्वार आते हैं तो कपड़े डस्टबिन में छोड़े, ऐसे ही गंगा जी में न बहाए क्योंकि अभी आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा यहाँ पे कपड़े का ढेर लगेगा। आप देख रहे हैं श्रद्धालु गहरे जल के तलाश में बहुत ज़्यादा गहराई में चले गए हैं लेकिन जल उतना ही मिलेगा जहाँ आपको पत्थर ज़्यादा मिलेंगे।
अभी हम जा रहे हैं शिव घाट की ओर और शिव घाट में आपको दिखाएंगे कि आपको जल अभी की कंडीशन पे कहाँ पे सबसे अच्छा मिलेगा। तो शिव घाट ही है वो जहाँ पे आपको कमर इतना जल अभी के टाइम मिलेगा। लाइव देखेंगे तो आपको विश्वास होगा, ऐसे आपको विश्वास अभी नहीं हो रहा होगा कि इतनी जल कम होने के बाद वहाँ कमर इतना जल कैसे है, तो आप अभी लाइव देखेंगे। शिव घाट में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे मंदिर मिलेगा, यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद। दूसरी ऑप्शन है, यहाँ पे काफ़ी घने वृक्ष है जहाँ पे बैठ के आराम से उसके नीचे आप कुछ देर बैठ के आराम कर सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना होता है चेंजिंग रूम का ऑप्शन कहाँ पे, तो ये है शिवघाट, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये शिवघाट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से शिव घाट स्टार्ट हो जाता है और शिवरी सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देख रहे हैं कितनी जल है, लाइव देख रहे हैं आप, कमर इतना जल है। जैसे कि हमने कहा था कि आपको कमर इतना जल मिलेगा इस गति में, कमर इतना जल जिनके लिए श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से डुबकी लगाने के लिए, जल की मात्रा की तलाश में काफ़ी लोग दूर दूर तक जाते हैं, वो शिव घाट में आए। और भीड़ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे कितनी है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, सुबह और ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। यहाँ पे जल की मात्रा पर्याप्त आपको मिलेगी, अगर जल की धारा और भी सूख जाए तो और थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ पे जल आपको पर्याप्त मिलने वाला है। जूम करके हमने आपको दिखाया हर की पैडी का दृश्य, वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है अभी। ये इस तरह का दृश्य है, गहरे जल के तलाश में लोग इस तरफ भी आ गए जबकि यहाँ पे कोई घाट नहीं है, बस आपको ऐसा ही स्नान करके। और ये है प्रमुख घाट हर की पैड़ी, उधर भी श्रद्धालु नए घाट के दूसरी ओर आ चुके हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, हर हर गंगे नमामि गंगे।